अक्षय का कैरियर हुआ खत्म। अब अक्षय कुमार वापस निकलेंगे कनाडा के लिए। ऐसा बहुत कुछ आपने सुना होगा सोशल मीडिया पर, क्योंकि लोग तो कुछ भी कहेंगे, लोगों का काम है कहना। पर सच्चाई ये है कि अक्षय कुमार का कमबैक होने वाला है कि नेक्स्ट मूवी मिशन रानीगंज से। जी हाँ दोस्तों, आज इस मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ है जो कि काफी रॉ और इंटेंस है। ये मूवी एक ट्रू इंसिडेंट पर बेस्ड है जो कि 1989 में हुआ था इन रानीगंज। और अक्की पाजी इस मूवी में एक रियल लाइफ हीरो लेट जसवंत सिंह गिल का किरदार निभा रहे हैं, जिन्होंने 1989 में रानीगंज में एक बाढ़ग्रस्त कोल माइंस में फंसे 65 लोगों की जान बचाई और उनके पास सिर्फ और सिर्फ 48 घंटे थे। बहुत सारी कोशिशों के बाद भी जब लोगों की जान नहीं बचाई जा सकी तो जसवंत सिंह गिल खुद गए थे कोल माइंस में उन 65 लोगों को बचाने। क्या वो बचा पाए या नहीं, ये तो जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। ये ट्रेलर टोटल 3 मिनट 16 सेकंड का है और आप 1 मिनट के लिए भी इस ट्रेलर से डिस्कनेक्ट नहीं हो सकते। ये ट्रेलर आपको टोटली बांध के रखता है, तो सोच लीजिए मूवी कितना बांध के रखेगी आप। ये ट्रेलर मुझे काफी पसंद आया, खास करके जब अक्की पाजी बोलते हैं अगर एक भी जिंदगी सांस ले रही है तो वो हमारे इंतजार। ओवरऑल एक जबरदस्त ट्रेलर है। अगर आप एक रियल हीरो को सैल्यूट करना चाहते हैं और आप एक सच्चे देशभक्त हैं तो 6 अक्टूबर को अपने नजदीकी सिनेमाघरों में जाकर ये मूवी जरूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।